तो छोड़िए। तो हेलो गाइस, तो कैसे हो? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्नो लाइव वॉलपेपर के बारे में। सही सुना, जो अगर आप भी चाहते हैं स्नो लाइव वॉलपेपर कैसे यूज कर सकते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखिए और कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो नो ड्रामा नो क्लिक पैड ओनली माइस्को। दोस्तों सबसे पहले आप अपने फ़ोन के स्क्रीन पर आ जाना है। फ़ोन के स्क्रीन पर आ जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, स्नो लाइव वॉलपेपर। तो गाइस इस एप्लीकेशन में बहुत ही अच्छे अच्छे वॉलपेपर मिल जाते हैं और आप इसमें अपना फ़ोटो भी लगा सकते हो इस प्रकार का, और आपके फ़ोटो पर बारिश होगी। गाइस सही सुना आपने। तो चलिए मैं उस ऐप को ओपन कर लेता हूँ एक बार। जैसे ही मैं उस ऐप को ओपन करूँगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे वॉलपेपर नहीं है गाइस, लेकिन यहाँ पर आप अपनी गैलरी से भी वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे वॉलपेपर के साथ म्यूज़िक के साथ आप अपने वॉलपेपर पर स्नो लाइव स्नो लाइव करके अपने वॉलपेपर पर फेंकवा सकते हो। तो स्नो जो बर्फ़ होती है अपने वॉलपेपर गिरवा सकते हो। तो गाइस जैसे आपको यहाँ पे प्ले वाला बटन दिखाई दे रहा होगा, इसी पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना वॉलपेपर दिखाई लग जाए, जो आप सेलेक्ट करना, जो आपने वॉलपेपर सेलेक्ट किया है वो यहाँ पे वॉलपेपर दिखाई देने लग जाएगा। सही सुना ना। इसके बाद अगर आप दूसरा वॉलपेपर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करना है, इस पर आना है। इस पर आने के बाद यहाँ पे आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा। बैकग्राउंड पर आने के बाद यहाँ पर आप कोई सा भी वॉल, जैसे मैं ये वाला सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर लाइट भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाला सेलेक्ट किया है। इसके बाद यहाँ पे आप लाइट भी कर सकती हो, ऑन लाइट जो आपकी है। उसके बाद यहाँ पे स्नो, जो आप कितनी बड़ी स्नो करना चाहते हो अपने वॉलपेपर पर उतनी बड़ी कर सकते हो। उसके बाद हमें बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब हमें करना है प्ले, जिसमें भी आपने जो भी आपने वो वॉलपेपर सेलेक्ट किया है उस वॉलपेपर को हमें प्ले कर लेना है, ताकि जो हमारे होम स्क्रीन पर वो अच्छी तरीके से लग पाए। तो गाइस यहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर वॉलपेपर दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमें होम स्क्रीन पर कर देना है, जिस पे भी आप लगाना चाहते हो उस पर कर देना है। तो मैं यहाँ पे होम स्क्रीन पर कर देता हूँ। तो गाइस देखिए ये मेरी होम स्क्रीन पर लग चुका है अच्छी तरीके से। तो गाइस यही था बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका स्नो वॉलपेपर लगाने का। हाँ तो दोस्तों आप सब लोग सीख आए स्नो लाइव वॉलपेपर लगाना। अगर आप सब लोग सीख गए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ मत भूलना। तो आज के इस वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए टाटा बाय बाय।